मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद उन्होंने शांति कुंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता मदन दास देवी से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को शहर में हो रही जलभराव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के बाद कई जगहों पर जल भराव की शिकायतें आ रही थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी ली और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। नहीं, नेशनल हाईवे के नए निर्माण के बाद जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, जो नालियां बनी है पानी निकलने के लिए हाईवे से, उसके अलावा जो पुराने समय में जो पानी का निकास होता था उसमें कुछ अवरोध हर जगह जगह पर पैदा हो जाते हैं, उसको लेकर हमने कहा है कि दोनों रास्ते निकाले जाए, इससे कि जल भराव की स्थिति सड़कों के अलावा अन्य जगह पर भी न हो, तो इसके लिए कहा है। और साथ ही जो है, जो हमारी चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, आने वाले समय में कांवड़ यात्रा चलनी है, उन सबके संबंध में विद्युत आपूर्ति है, पेयजल है, हमारा जो है पार्किंग की व्यवस्था है, पुलिसिंग की व्यवस्था है, सभी पर जो है बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय पहुंचने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों के काम आसानी से होने चाहिए, किसी तरह की शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये है कि सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, जो हमारी एक समय सीमा है ऑफिसों में आने की और लोगों की समस्या सुनने की और उनका समाधान करने की, वो अपने अपने जो समय निर्धारण है उस समय पर पहुंचे और सभी समस्याओं का समाधान करें, कहीं से किसी की कोई भी शिकायत ना आए।